फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितनी ही सुंदर सी ये मौली से राखी बनाई है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कलावे से कलावा या मौली, किसी से भी आज हम राखी बनाएंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पर ये मौली लिया है और एक लेंगे हम बकरम का पीस। अगर आपके पास बकरम नहीं है तो आप इसकी जगह आप इसकी जगह कोई भी हार्ड सा पेपर ले सकते हैं, थोड़ा थिक होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे इस तरह से राउंड में घुमाते हुए, क्योंकि हमें इस बकरम को पूरे को मौली से कवर करना है। थोड़ा सा हम पहले इस तरह से कर लेते हैं इसे। अब हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे इसके चारों ओर इसे घुमाते हुए और इसे हमें इसे कवर करना है इसे मौली से। तो ये देखिए, ये हमारा सर्कल बनकर तैयार है और जो भी एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है हम उसे कट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें स्टोन। तो मैं यहाँ पर इस पर ओम बनाऊंगी। तो पहले मैं ग्लू से इस पर ओम बना लेती हूँ। अब मैं इस पर बॉल चैन, तो यहाँ पर आप स्टोन चैन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोन चैन नहीं है तो आप बॉल चैन का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉल चैन लगा दी है। तो अब हम इसके चारों तरफ ये इस तरीके के मोती लगाएंगे, इस तरीके के। आप इनको पहले आगे में प्रोकर भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से ग्लू से भी इनको चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको ग्लू से चिपका रही हूँ, इसीलिए काफ़ी मजबूत रहते हैं इस तरह से। तो इसके चारों तरफ मैं इनको चिपका लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे पर इस पर स्टोन लगा लिए हैं, पल्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसको साइड से रख देंगे। तो अब हम इसके बांधने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे गूंथ कर बनाऊंगी। तो तीन पार्ट्स में हम इसे ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें गूंथ लगा ली है और यहाँ पर भी मैंने एक नॉट लगा ली है और इस साइड में भी। तो एक और बकरम का पीस लेंगे और इस पर हम ग्लू लगा देंगे। तो अब हम जो सेंटर में हमने स्टेप बनाई है उसके सेंटर में हम इसे रखेंगे और जो हमने ये ऊपर का पेच बना के तैयार किया है इसे हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और इसे हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से, जिससे ये चिपक जाए। तो थोड़ा सा हम हाथों से प्रेस कर देंगे जिससे जो बकरम के साथ ये पीस चिपक जाएगा। तो ये लीजिए, हमारी राखी बनके तैयार है। और ये देखिए, ये देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है। इस पर जो ओम है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है और सूखने के बाद
जो ग्लू है ये दिख रहा है ग्लू, ये सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो ये देखिए हमारी कितनी ही सुंदर सी ये राखी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसे किसी की कलाई पर बांधोगे तो उसकी कलाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी और भरी भरी लगेगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आपने देखा होगा सिर्फ मोतियों की हेल्प से और मौली की हेल्प से हमने कितनी ही सुंदर सी ये राखी बना ली है और इसे हमने कितने आसान तरीके से बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।